बूढ़ी दिवाली, जिसे दीपावली के एक माह बाद मनाया जाता है, एक विशेष उत्सव है जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व उस समय की याद दिलाता है जब भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर एक महीने की देरी से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मिली थी। इस सुखद समाचार से प्रभावित होकर लोगों ने देवदार और चीड़ की लकड़ियों से मशालें जलाकर अपने आनंद का उत्सव मनाया। बूढ़ी दिवाली परंपरा की शुरुआत उस समय हुई थी जब पहाड़ी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए नाच गाने का आयोजन किया। यह बात लोक संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बूढ़ी दिवाली के अलावा इस त्यौहार को हरि उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान नींद से जागृत होते हैं, विष्णु भगवान। कई लोग इस दिन को तुलसी और श्री हरि के विवाह का एक समारोह का उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। खैर, रीजन जो भी हो, हमारी लोक संस्कृति का पर्व है और ये हमारे यहाँ इगास अथवा बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और अगर इसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी देखते हैं, जिस समय में देश के अन्य भागों में दिवाली होती थी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क की अधिकता होती है, और ठीक यह समय ऐसा होता है जिस समय दलहनी फसलों और क्रॉप प्रोसेसिंग का काम लगभग पूरा हो जाता और आदमी पूरा फुर्सत रहता है, तो त्योहारों की इस तरह से और ज़्यादा मनोरमता आ जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल, देश पौराणिक काल में भी ऐसा ही रहता है कि संचार वगैरह साधन वगैरह कम होते थे। हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, पुराने समय में चिट्ठियाँ वगैरह भेजते थे तो संदेश आने में काफ़ी समय लग जाता था। इसी तरह से कहा जाता है कि भगवान राम जी जब आते हैं तो देश के अन्य भागों में तो सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन पहाड़ी स्थानों में आवागमन की सुविधा नहीं थी, तो इस सुसमाचार को एक महीने बाद पता चला। तो कहा जाता है, ठीक ही बात है, जब आँख खुली तब से बेरा, तो उसके एक महीने बाद लोगों ने दिवाली मनाना शुरू किया और ये हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और काफ़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। खैर, यहाँ पर हमारे यहाँ मशाल वाला तो नहीं होता, हिमाचल नगर में मैंने देखा ये लोग चीड़ की लकड़ी के मशाल बना करके काफ़ी अच्छी रोशनियाँ लगती हैं। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रात के अंधेरे में ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए अपने अपने गाँवों की परिक्रमा करते हैं। ऐसे अवसर पर सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों से लोग भाग लेते हैं और फिर से उल्लास का माहौल बनाते हैं। बूढ़ी दिवाली पर पटाखों का शोर नहीं होता, बल्कि यह पर्व शांति और संतोष का प्रतीक है। करसोग के च्वासी क्षेत्र जैसे स्थानों में लोग आधी रात को अपने संस्कारों और परंपराओं का अनुसरण करते हैं। यहाँ लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और फिर भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह पर्व सदियों से जीवित है और ग्रामीणों द्वारा आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुल्लू, रामपुर और खन्योल जैसे क्षेत्रों में यह त्योहार खास महत्व रखता है। गांव के लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर बधाई देते हैं और इस सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। इस दिन का मुख्य आकर्षण देवदार और चीड़ की मशालों की रोशनी होती है, जो पर्व को एक जादुई एहसास देती है। इस त्योहार को और भी रोचक बनाने के लिए मिथिलेश ब्लॉग नैनीताल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आएं। यहां आपको जानकारी पूर्ण वीडियो और सामग्री मिलेगी जो इस विशेष पर्व को समझने में मदद करेगी। इसलिए इस अद्भुत उत्सव को मनाने के लिए तैयार हो जाइए। और बिल्कुल, हम लोग भी तैयार हो गए इस अद्भुत उत्सव को मनाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे, तुलसी एकादशी के नाम से ही मनाते हैं, तो इस दिन तुलसी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और तुलसी के नीचे तो दीपक रखे ही जाते हैं। इसके अलावा तुलसी में माला वगैरह लगा कर भी उसको ऐज दुल्हन के रूप में भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है। ये एक परंपरा रही है, कहने का मतलब ये, हमें जो भी अपने चारों तरफ वनस्पति है चाहे पेड़ पौधे हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए और एक भार्या या पुत्र या पुत्री के ही समान उसका भरण पोषण भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वनस्पति है वो प्रकृति के मानव के दीर्घ जीवन के लिए ही बनी हुई है। तो जितने भी ये त्यौहार बने हैं, ये एक हमें संदेश देते हैं, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, चाहे मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा हो, चाहे तुलसी के पौधे को संरक्षित करने की बात हो, चाहे पेड़ पौधों की पूजा की बात हो, तो संरक्षण सभी चीज़ का ज़रूरी है। तो इस तरह से ये तो था ब्लॉग जानकारी पूर्ण। तो अभी हम मैंने इस तरह से एक एक करके दीपक रखना शुरू कर दिया है और इसको भी दिन को भी हम लोग दिवाली की तरह मनाते हैं और पूरे घर का उसी तरह से श्रृंगार किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप हमने दीपक रखना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले मैं सबसे दूर के मंदिर पर रखाया हूँ
और फिर तुलसी पर रखना अनिवार्य होता है, तो वन बाय वन सारी तुलसियों पर रख देता हूँ। तुलसी के पौधे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, और जैसा कि आप देख पा रहे सारी सामग्री लगभग तैयार हैं, और वन बाय वन इनको मैं दीपकों को प्रज्वलित करते हुए जाता हूँ। इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, और एक मैंने रख दिया इसके ऊपर, कुछ खिड़की और दरवाजे पर रख देंगे जैसा कि आमतौर पर रखते हैं। वैसे हिमाचल वगैरह में चीड़ की लकड़ी की रोशनी से बनाते हैं, हम लोग दिए ही जलाते हैं दिवाली की तरह। तो कुछ माला वगैरह जो मैंने निकाली हुई नहीं थी, तो इस तरह से ऑन करते इसका भी बड़ी प्रकृति की मनोरम छटा दिखने लगती है। अलंकार तो खैर क्या ही होता है कि प्रकृति का अलंकार होता है, जब प्रकृति सुसज्जित होती है तो सभी कुछ अच्छा लगता है। और इस तरह से रोशनियों की माला एक बार फिर से जगमगा उठी दिवाली के लगभग एक महीने बाद। बूढ़ी दिवाली आ गई, जो कि मैं भगवान से भी कामना करता हूँ, श्री हरि से भी कामना करता हूँ, आप सभी लोग एक बार फिर से समृद्धि की कामना करते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें बूढ़ों का भी सम्मान करना चाहिए। इसी त्यौहार की शुभ भावना के साथ, अशतो माँ सतगमय, तमशो माँ ज्योतिर्गमय, लीड मी डार्कनेस टू लाइट। हे प्रभु, आप हमें अज्ञानता से नॉलेज की तरफ और अंधकार से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद जो लोग मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।